बात अब नरेंद्र मोदी की। जाट वोटों को रिझाने के लिए आज नरेंद्र मोदी की बागपत में रैली थी। रैली में मोदी ने चौधरी चरण सिंह की तारीफ के बहाने उनके बेटे अजीत सिंह पर तीखा निशाना साधा और पिता के सिद्धांतों को राजनीतिक फायदे के लिए छोड़ने का अजीत सिंह पर आरोप लगाया। इस पर अजीत सिंह ने भी मोदी के जवाबी हमला किया है। ये बात हम जरूर आपको सुनवाएंगे अजीत सिंह ने क्या कहा, लेकिन मोदी की इसी रैली में अचानक से एक बार लाइट चली गई। उनका भाषण बीच में रुक गया। काफ़ी देर तक मोदी लाइट आने का इंतज़ार करते रहे, माइक ऑन होने का इंतज़ार करते रहे। इस बीच वहां मौजूद भीड़ ने भी शोर करना शुरू कर दिया। आखिरकार जब लाइट आई तो मोदी ने चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल किया। मोदी ने कहा, यूपी में बिजली आना खबर बनती है, गुजरात में बिजली जाना। मोदी ने बिजली की हालत को विकास का मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार पर हमला किया। अगर गुजरात में इस प्रकार से बिजली चली जाए दो मिनट के लिए, तो ये हमारे अखबार वाले मित्र है ना, वो पहले पेज पर बड़ा बॉक्स आइटम बनाते हैं कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन मंगलवार को दो मिनट के लिए बिजली चली गई थी, ऐसा खबर आता है। गुजरात में बिजली जाए तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली आए तो बड़ी खबर बन जाती है। लोग बस में, ट्रेन में, दुकान पे बातें करते हैं, तेरे यहां आई थी,